स्टूडेंट माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ एमपी प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021 क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ये गवर्नमेंट स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज किया था ये प्री बोर्ड को, ये प्राइवेट स्कूल, और एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं पैटर्न्स के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनुअल एग्ज़ाम पर। तो इनको आपको अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं। मॉडल पेपर बुक को भी आप लोग प्रिफर कीजिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर कीजिए। लगभग एक महीना, डेढ़ महीने का समय और बचा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम पर, तो आपको तैयारी बेहतर करना है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम रद्द हुआ है या पोस्टपोन हुआ है, तो आपको तैयारी लगातार करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द राइट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी व्हाट? नेशनल इनकम, इंडिविजुअल फॉर्म, प्राइस लेवल, ऑल ऑफ द अबव। 2, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो देन टोटल यूटिलिटी बिकम डिक्रीज, इंक्रीज, फिक्स, मल्टीप्लाइड। रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड कास्ट फंक्शन, रेनुअल फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, टेक्निकल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? वेरी हाई, वेरी लेस, निजलिबल या फिर जीरो। क्वेश्चन नंबर 5, इन सिचुएशन कॉल्ड व्हेन मार्केट डिमांड is greater than market supply, excess of supply, equilibrium, excess of demand, none of the above. Question number 2, state true or false, in short term variable factors remain unchanged. Question number 1, question number 2, demand curve slope downward from right to left. Question number 3, producer under परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन चेंज डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल बैंक्स ऑफर लोन्स टू द गवर्नमेंट, ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट बोथ इंक्लूड इन रिवेन्यू रिसिप्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ डैश यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, डैश कॉस्ट इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट एज इट्स लोअर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर डैश नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 4, डैश बैंक हैज मोनोपोली ओवर नोट इशू। क्वेश्चन नंबर 5, वेल्थ टैक्स इज द डैश टैक्स। आंसर इन वन वर्ड में आपको जवाब देना है, 5 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द राइट पेयर टोटल प्रोडक्शन नेसेसरी गुड्स लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर एडिशनल प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इन इलास्टिक डिमांड टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टोटल यूटिलिटी शॉर्ट टर्म्स। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शन दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दो में से एक क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस या फिर व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड या फिर व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, व्हाट इज द कैपिटल इनकम या फिर व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक्स या फिर व्हाट इज द डिमांड ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट, राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी या फिर एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड बाय डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, राइट डिटर्मिनेंट एलिमेंट ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स या फिर
एक्सप्लेन व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एटम्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन या फिर व्हाट इज द रिटर्न टू स्केल। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम या फिर एक्सप्लेन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन NDP एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP में आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस लिखना है NNP और NDP पेपर। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन फोर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट या फिर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन फोर फंक्शन ऑफ मनी या फिर एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेड बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जवाब देना है या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी, एक्सप्लेन मेन आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस टाइप्स ऑफ बजट या फिर एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्वेश्चन नंबर 22, स्टूडेंट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी बाय डायग्राम, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय डायग्राम, वाई का कॉस्ट कर्व लुक लाइक अ लेटर यू एक्सप्लेन करना, मोस्ट IMP क्वेश्चन, एक्सप्लेन एलिमेंट विच अफेक्टिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 25, स्टूडेंट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम एंड गिव सजेशन टू इंक्रीज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस बताना है या फिर कमर्शियल बैंक के आपको फंक्शन बताना है। तो इस तरह से 26 क्वेश्चन दिया गया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंस है और इसकी आप रिवीजन कीजिए, इसके सॉल्यूशन बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर।